हेलो गाइस, आई एम दीपक एंड यू आर वॉचिंग दीपक वेदी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको लेके आया हूँ हर की पौड़ी के बाद हरिद्वार का सबसे प्रमुख जो दूसरा स्थान है शांति कुंज। बहुत ही बड़ा संस्थान है शांति कुंज, जिसके देश भर में अनुयायी है, करोड़ों अनुयायी है, जो कि चरित्र निर्माण करने के लिए जाना जाता है। आज मैं आपको शांति कुंज लाया हूँ, शांति कुंज के दर्शन कराने, शांति कुंज की तमाम संपूर्ण जानकारी देने इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखें, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है वीडियो। अंदर आना है तो शांति कुंज में आपकी 100 कोविड की रिपोर्ट होना अनिवार्य है, और आपकी जो वो मांगेंगे रिपोर्ट वगैरह, उसके साथ आप आ सकते हैं गेट नंबर 5 से। तो अब गेट नंबर 5 से हम अंदर आ चुके हैं, और देखिए दूर दूर से जो हरिद्वार से जो बाहर से यात्री वगैरह आ रखे हैं उनके लिए यहाँ पे स्वागत रखे हैं, और आ रखे हैं लोग बाहर से। पहले इस एंट्री यहाँ से भी हो जाती थी, पर फिलहाल गेट 5 से ही हो रही है। तो आइए अंदर चलते हैं शांति कुंज के, और शांति कुंज के करते हैं संपूर्ण दर्शन। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है शांति कुंज की सांस्कृतिक शाला। यहाँ पे जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे सामूहिक विवाह हो या फिर जनेऊ का कार्यक्रम होता है, वो सब यहाँ पे सामूहिक रूप से होता है। और देखिए कितना बड़ा हॉल है, यहाँ पे प्रवचन भी होते हैं। तो हम जैसे शांति कुंज की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं दोनों तरफ बहुत ही जो वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ होते हैं, भांति भांति के पेड़ होते हैं, जो अनगिनत पेड़ हैं उनकी यहाँ पे किस्में लगी हुई हैं और सब पे नाम लिखे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसका नाम है एगेथिस, वो आकाश चंपा। तो इस तरीके के जो बहुत सारे जो पेड़ हैं लगे हैं यहाँ पर, लगाए हुए हैं छोटे छोटे पौधे, घृत कुमारी, आसन, तो दोनों तरफ आप देख सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ से शांति कुंज का जो द्वार है, यहाँ से आपको बहुत ही अच्छा वातावरण मिलेगा, चिड़ियों की आवाज़ मिलेगी। अभी हम पीछे से आ रहे थे, अब हम आगे की तरफ जाएंगे, और जहाँ से शुरुआत होती है शांति कुंज का जो सबसे प्रमुख स्थान है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, वो देखने को मिलेगा। तो अभी हम मुख्य द्वार से जा रहे हैं। अब इस जगह को बोलते हैं चैतन्य सिद्ध क्षेत्र, जो शांति कुंज का सबसे प्रमुख स्थान है, मतलब जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दर्शन करते हैं, बहुत पवित्र स्थान है, इसको बोलते हैं चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। यहाँ पीछे आपने देखा, ये पवित्र स्थान पे लोग आराम से बैठते हैं, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। गायत्री मंत्र यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रमुख है, क्योंकि ये गायत्री परिवार है शांति कुंज। यहाँ पे माता सरस्वती की पूजा होती है, उन्हीं का ये मंदिर है, उन्हीं के नाम ये पीठ बनी है शांति कुंज। तो पीछे है यज्ञशाला, ये यज्ञ होता है यहाँ पर बसंत पंचमी के दिन, खास तरीके का यहाँ प्रोग्राम होता है बसंत पंचमी को। ये सारी कितनी यज्ञशाला बनी हुई है। यहाँ पे बड़े सामूहिक तरीके से यज्ञ होता है। उचित मूल्य पे वो यहाँ पे मिल जाते हैं। देखिए पीछे ऐसे क्वार्टर बने हुए हैं, तो यहाँ पे रहने की भी अच्छी व्यवस्था है, लोग आते हैं दूर से रहते हैं, अच्छे उचित मूल्य पे यहाँ पे रूम मिल जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको लेके आया हूँ माता भगवती भोजनालय में। निःशुल्क यहाँ पे 12 महीने 7 दिन यहाँ पे निःशुल्क भोजन कराया जाता है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पे रोज़ भोजन करते हैं, आप देख सकते हो। तो ये शांति कुंज का भोजनालय देख सकते हो, यहाँ पे इसी तरीके से दिन प्रतिदिन हज़ारों लोग भोजन प्राप्त करते हैं। ये पीछे दरी बिछी होती है, वहाँ दरी पे अपना भोजन ग्रहण करें, उसके बाद अपने भोजन के बाद अपनी थाली धो के उसी स्थान पे वापस रखें। अब मैं आपको दिखाता हूँ
एक ऐसी आध्यात्मिक जगह जहाँ पे ध्यान लगाया जाता है, मेडिटेशन किया जाता है, ऐसी जगह बना रखी है जो बिल्कुल हिमालय वाला है। यहाँ पे आपको एहसास कराएगी, मेडिटेशन होता है वहाँ पर। अभी आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे बहुत शांति है। इस मंदिर के अंदर इतनी शांति है जब यहाँ पे ध्यान लगाया जाता है कि अपनी जो दिल की धड़कन है वो भी सुनाई दे जाती है। देवात्मा हिमालय मंदिर आप देख सकते हो, और सामने कितने खूबसूरत तरीके से, तो बहुत ही खूबसूरत है ये पूरा शांति कुंज का जो पूरा परिसर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य और बहुत ही अच्छा माहौल रहता है शांतिमय। तो आपने देखा, ये था हिमालय देवात्मा मंदिर। यहाँ पे कितनी शांति है, यहाँ पे लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं। तो मैं अंदर इसलिए नहीं बोल रहा था क्योंकि यहाँ पे सब ध्यान मगन में होते हैं और यहाँ पे अलाउड है, हरिनाम जप सकते हैं। तो ये अच्छी जगह है, जब भी आप शांति कुंज जाएँ तो इस मंदिर में आके ध्यान जरूर लगें। अब दोस्तों अब हम आ चुके हैं संस्कार प्रकोष्ठ में। यहाँ पे तरह तरह के समस्त जो संस्कार होते हैं वो निःशुल्क संपन्न कराए जाते हैं। जो निःशुल्क संस्कार है आपको मैं बता सकता हूँ, यज्ञोपवीत संस्कार, विवाह संस्कार, विवाह दिवोत्सव संस्कार, बांध संस्कार, श्राद्ध तर्पण संस्कार, ये पुंसव संस्कार लिखे हुए हैं यहाँ पे, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारम्भ, जन्मोत्सव, दीक्षा संस्कार, तो सब संस्कार यहाँ पे होते हैं निःशुल्क एकदम। अब ये वेद माता मंदिर के अंदर हम जा रहे हैं जो सबसे प्रमुख स्थान है शांति कुंज का, और यहाँ पे आप सारे जो महान पुरुष हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन सब के यहाँ पे लगे हुए हैं, मंदिर बने हुए हैं। तो ये है चरक, ऋषि चरक है, ये भगवान परशुराम का मंदिर, जय हो, तो परशुराम भगवान है। गायत्री माता जो प्रमुख मंदिर है शांति कुंज का, अब वो यहाँ से। अखंड दीप के दर्शन करने, वैसे तो वो पीछे बोल चुका है कि 4:30 बजे के बाद दर्शन होते नहीं, और अभी बज रहे हैं 5:15, तो दर्शन नहीं हो पाएंगे, पर मैं दिखा देता हूँ अखंड दीप दर्शन। जब आप शांति कुंज जाए तो यहाँ के दर्शन जरूर करें, अखंड दीप दर्शन के, जो बहुत सालों से, कई सालों से अखंड ज्योति जल रही है वो यहाँ पे है, यहाँ पे दर्शन जरूर करें। तो जो देखिए अखंड दीप के आप पढ़ सकते हैं प्रातः 5:30 से 9 बजे तक, और
तो भी आप देख सकते हैं अखंड दीप ज्योति का जो दर्शन का टाइम है वो निकल चुका है, तो वो मैं आपको फिर कभी कराऊंगा दर्शन। और यहाँ से जाता है रास्ता सीधा, मेरी आपसे अनुरोध है कि अपने जो फैमिली के जो बच्चे हैं जो आपको उनके साथ शांतिकुंज जरूर आए। तो जो शांतिकुंज जाके जो आप सीखते हैं, सबसे पहले संस्कार यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा डिसिप्लिन, यहाँ पे आपको जो अनुशासन है वो देखने को मिलेगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सब काम करते हैं। तीसरी बात है सब सेवक है यहाँ पे, ज़्यादातर लोग स्वयं सेवक हैं, उस वो कोई पैसे नहीं लेते, वो सिर्फ सेवा देते हैं और सेवा भाव से यहाँ पे काम करते हैं। तो शांतिकुंज में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, सेवा भाव, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से है, बहुत शांति है, बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा आपको, बड़ों का सम्मान करना, और आपसे बहुत आदर के साथ मिलेंगे, कोई गुस्सा नहीं, कोई कुछ नहीं। तो बहुत अच्छा है, जो सरस्वती माता के जो सिद्धांत हैं, जो सरस्वती माता की सीख है, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे कोर्स भी होते हैं, कई तरीके के कोर्स होते हैं, वो आप कर सकते हैं। एक महीने के कोर्स होते हैं, योगा के कोर्स होते हैं, और अध्यात्म का जो जीवन होता है उसको आप जी सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत तरीके के आपको मंत्र सिखाएंगे, मैंने आपको वो संस्कार प्रकोष्ठ दिखाया, वहाँ पे बहुत तरीके के संस्कार होते हैं, जहाँ पे आप कई तरीके के जो संस्कार होते हैं उसको पूरे कराए जाते हैं, विवाह होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, तो बहुत कुछ यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे वक्त निकाल के आए आप शांतिकुंज में, तो शांतिकुंज में आपको बहुत सीखने को मिलेगा, और बहुत कुछ है यहाँ पे, अपना जो अध्यात्म है उसको जानने का मौका मिलेगा, जो पुराना सांस्कृतिक जो अपना कल्चर है उसे समझने का यहाँ पे मौका मिलता है। तो बहुत प्रमुख स्थान है, बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ के। तो जब भी आप शांतिकुंज आए और बाहर से आ रहे हैं, तो दो दिन एक दिन यहाँ पे जरूर रुकें, पूरा समझेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यही थी शांतिकुंज का एक खूबसूरत ब्लॉग, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार कर देना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को जरूर कर देना लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, और कमेंट में जय गायत्री तो लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गायत्री मैया।